कुडाळचा काय काय फेमस सांगा. इथे कुडाळच्या याच्यामध्ये वालावरचे इथे लक्ष्मीनारायणचं मंदिर आहे, माऊलीचं मंदिर आहे. फिरायला साठी कसी आहे पब्लिक. इस वाले व्लॉग की शुरुआत होने जा रही है मडगांव स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से. मैं आपको शताब्दी दिखा रहा हूँ, राजधानी दिखा रहा हूँ, वंदे भारत दिखा रहा हूँ, और फाइनली ना जाने कितने दिन बाद आपके लिए एक तेजस एक्सप्रेस का व्लॉग, और वो भी विस्टा डोम कोच में. और जहाँ तक मुझे याद है, मैंने विस्टा डोम में या फिर मैं कहूँ तेजस में मैंने ट्रैवल किया था बिफोर कोविड. और आपके सामने मुंबई गोवा तेजस एक्सप्रेस 22120 की वर्चुअल जर्नी, जिसको इनॉग्रेट आपके लिए स्टार्ट किया गया था इन ईयर 2017, ऑपरेट किया जाता है बाय सेंट्रल रेल. मैं लास्ट टाइम कोकण रूट में ट्रैवल किया था तो ये था नॉन इलेक्ट्रिफाइड. अब इस रूट को पूरी तरह से इलेक्ट्रिफाई कर दिया गया है, तो मैंने सोचा चलिए आपके लिए एक व्लॉग बनाते ज़रूर है. तो पूरा व्लॉग देखिएगा. अगर आप मुंबई से गोवा के बीच जर्नी प्लान कर रहे हैं, ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, इस वाली तेजस एक्सप्रेस की कॉस्टिंग, रूट वगैरह वगैरह सब कुछ, आपको स्पेशली फूड विस्टा डोम में क्या क्या फूड सर्व किया जाएगा सब कुछ आपको दिखाया जाएगा. यहाँ से डिपार्चर है कुछ 3:15 बजे, हार्डली 15 मिनट, बिल्कुल राइट टाइम ट्रेन आई है मडगांव. और यहाँ से मैं देख रहा हूँ पैसेंजर्स बोर्ड कर रहे हैं निकलने के लिए तैयार. बट यहाँ का आप वेदर देखिए. और यहाँ से कौन कौन ये व्लॉग देख रहा है ज़रा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर. बहुत लिमिटेड टाइम मिलेगा, बहुत लिमिटेड. इससे पहले और पैसेंजर्स बोर्ड करें जल्दी से, पहले मैं आपको, बिकॉज विस्टा डोम में मैं इतने दिन बाद ट्रैवल कर रहा हूँ, तो आपको इस जल्दी से इंटीरियर दिखा देता हूँ. आप देख लीजिए यहाँ से विस्टा डोम कोच पूरा, आप देख लीजिए कितना सही लगता है कलर कॉम्बिनेशन. मैन्युफैक्चरिंग ई अगर आप देखोगे दैट इज़ 2020, आप देख लीजिएगा. पैसेंजर्स ऑलरेडी आना स्टार्ट हो चुके हैं. यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये पूरा आपको यहाँ पर फर्स्ट क्लास वॉशरूम मिलेगा. और एज़ कम्पेयर टू अदर कोचेज ये बहुत अलग है. लगेज रखने का अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये आपको ऑप्शन दिया जाता है लगेज रखने का, देख लीजिए. और विस्टा डोम का पूरा, इस एक कोच की पैसेंजर कैपेसिटी है 44, और ये सीट जो आप देख रहे हो ये वही जैसे वंदे भारत में आपको मिलता है 180 डिग्री रोटेट. हर सीट पर आपको यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट हो गया, ये हेडरेस्ट कह लीजिए, प्लस पुश पुल आपको फर्स्ट क्लास ऑप्शंस मिलेंगे. मिलेगा सर बिल्कुल, आप कलर कॉम्बिनेशन देख लीजिएगा. खाली मैं आपको रफली एक टूर दिखा रहा हूँ. सबसे अच्छी बात है फ्रॉम द सेफ्टी एंड पॉइंट ऑफ व्यू, आपको सीसीटीवी कैमरा होगा सब स्क्रीन. यहाँ पर आपको शायद स्पीड प्लस रूट भी बताया जाएगा कितनी देर में अगला स्टेशन आएगा, ऑटोमेटिक गेट्स हो गए. और यहाँ पर एक ये मिनी पेंट्री, अभी जर्नी को स्टार्ट होने दीजिए, ये मिनी पेंट्री आगे आपको दिखाई जाएगी. जो जो टिकट मैंने ली है उसमें सब खाना पीना इंक्लूडेड, तो क्या क्या सर्व करेंगे वो. और विस्टा डोम कोच की ये स्पेशलिटी है, देखिए ये हमारा आपके सामने वेब 7, जो अभी मुंबई से आया है, जो मुंबई से अभी मडगांव आया है, यहाँ से वेब निकाल दिया गया है. तो अब हमारी ट्रेन जाएगी इस डायरेक्शन में, और पीछे से अब आपको जो नज़ारे मिलेंगे, आपको बता दूँ ये कोच है EV2. और देखिए ये विस्टा डोम की स्पेशलिटी है. तो अगर आप मुंबई टू गोवा के लिए ट्रैवल प्लान कर रहे हैं विस्टा डोम ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा. साफ़ सफाई आप देख लीजिएगा, ट्रेन बिल्कुल अभी आई है और अभी भी ट्रेन में साफ़ सफाई चल रही है. आपको इंटीरियर कैसा लगा ज़रा कमेंट करके बताइएगा जरूर. ये देखो ये आपको जो ऊपर ग्लासेस मिलते हैं, अगर आप ये विंडोज़ भी देखेंगे एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल कोचेज, देखिए कितनी बड़ी हैं, ताकि आपको बेटर व्यू मिले. और जब आप इस सीट को, आपको एक बार मैं दिखा दूँ, जब आप इस सीट को रोटेट करेंगे तो आपको मिलेंगे एकदम फर्स्ट क्लास नज़ारे, लाजवाब. इतने दिन बाद विस्टा डोम कोच. बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए भाई साहब, क्या वेदर है आप पूछे ही मत. अब ट्रेन का आपको बता दूँ, हम डिस्टेंस कवर करेंगे कुछ अराउंड 600 किलोमीटर्स, टाइम ड्यूरेशन ऑफ जर्नी लगभग 9 घंटे मान लीजिए. एग्जीक्यूटिव से बेटर है विस्टा डोम अगर आप मेरे से पूछो. कुडाळ सा काय काय फेमस सांगा. इथे कुडाळच्या याच्यामध्ये वालावरच्या इथे लक्ष्मीनारायणचं मंदिर आहे, माऊलीचं मंदिर आहे. फिरायला साठी तिथे भोगवे बीच आहे, तिथे छान छान मच्छी भेटते, फ्रेश फिश भेटते तिथे.